नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट गए हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां काफी अधिक है। वो काफी टेंशन में हैं, क्योंकि आरजेडी के अंदर ही ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के विधायक हैं और आनंद मोहन के बेटे हैं। मनोज झा के भाषण पर खुलकर बोल रहे हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक लाइव आते हैं और अपने ही पार्टी के राज्यसभा सांसद पर सवाल खड़े करते हैं, उन पर हमला बोलते हैं। अब छोड़िए, चेतनानंद की बात छोड़िए, मनोज झा की बात छोड़िए, मोतिहारी में 28 सितंबर को आरजेडी का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में खूब बवाल हुआ। यहां तक कि थप्पर लप्पर भी चले, लात घुस्सा चला, जूता चप्पल चला और तस्वीरें सामने आई, विजुअल सामने आए। साफ तौर पर नजर आया कि आरजेडी के विधायक मनोज यादव किस तरीके से उस सम्मेलन में आरजेडी के कार्यकर्ता पर हाथ छोड़ते नजर आते हैं। बहरहाल, अब तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां हैं कि आखिरकार इन दोनों मामलों को, दोनों मसले पर कैसे निपटेंगे, क्या तेजस्वी यादव कार्यवाही करेंगे। आपको मालूम है, मनोज यादव मोतिहारी के जिलाध्यक्ष भी हैं, कल्याणपुर के विधायक हैं। देखिए, बात शुरू करते हैं चेतन आनंद से। चेतन आनंद को तेजस्वी यादव ने 2020 में टिकट थमाया था। तेजस्वी यादव ने 8 राजपूत जाति के लोगों को टिकट दी थी, जिसमें चेतन आनंद का भी नाम था, उनकी मां लवली आनंद का भी नाम था। चेतन तो जीत गए, लवली आनंद सहरसा में हार गई। देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, मनोज झा 21 सितंबर को राज्यसभा में थे और उन्होंने ठाकुर की कुआं वाली कविता कह दी। चेतन आनंद इसको देखकर भड़क गए, मनोज झा पर सवाल खड़े करने लगे, हमला बोलने लगे। पहले ट्वीट किया और ट्वीट से नहीं मन भरा तो उन्होंने फेसबुक लाइव आकर भी अपनी बातें रख दी। साफ तौर पर कहा कि ठाकुरों को टारगेट करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए, जो आरजेडी का रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नियम है, जो टर्म कंडीशन है, उसे अनफॉलो किया है चेतन आनंद ने। तो तेजस्वी यादव कल दिल्ली से पटना लौटे और तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए कि अब इस पर आप क्या करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि चेतन को जो करनी चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, पार्टी फोरम में जाते और अपनी बातें रखते, इसके बदले उन्होंने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सब ट्वीट खुद देख रहे थे। तेजस्वी यादव ने आनंद मोहन को लेकर भी जो बयान दिया, उसमें साफ नजर आया कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन जीभ काटने तक की बात करते थे, पलट देने की, पटक देने तक की बात करते थे और ये हमारे पार्टी के अंदर के लिए, विरोधी के लिए भी होता तो भी हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते। तो मतलब साफ है कि चेतन आनंद के खिलाफ अब तेजस्वी यादव एक्शन लेंगे। 2024 के चुनाव में भी इसका असर दिखेगा और चेतन आनंद की मां लवली आनंद, जो आरजेडी में हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव ने जिम्मेवारियां दी है, बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं, लवली आनंद के ऊपर भी डंडा चल सकता है, इसका असर देखा जा सकता है। तो तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के साथ बैठकर इन तमाम चीजों पर विमर्श करेंगे और सबसे बड़ी चीज कि चेतन आनंद के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, क्या कुछ कार्रवाई करनी है, ये एक बैठक होगी, उसके बाद तय होगा। इससे पहले चेतन आनंद से स्पष्टीकरण मांगी जाएगी। अब दूसरा मामला है तेजस्वी यादव के सामने कि लालू यादव के कभी पीए रहे, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे तब उनके पीए रहे विनोद श्रीवास्तव। देखिए, मोतिहारी से 2014 के चुनाव में वो चुनाव भी लड़े, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, हार का सामना करना पड़ा। 28 सितंबर को मोतिहारी पहुंचे थे, मोतिहारी में कार्यक्रम आयोजित था आरजेडी का और वहां ऑडिटोरियम में जब पूरा खचाखच लोगों से ऑडिटोरियम भरा था, हजारों लोगों की भीड़ थी, तो सामने मंच पर बिहार सरकार के 3 मंत्री और एक पूर्व मंत्री बैठे थे। विनोद श्रीवास्तव के लिए मंच पर जगह नहीं थी, कुर्सी नहीं था, नारेबाजी होने लगी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जैसा कहना है विनोद श्रीवास्तव का कि उनके समर्थक विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद के भी नारे लगा दिए। देखिए, 24 में किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, मोतिहारी आरजेडी लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी, जेडीयू लड़ेगी, ये सब कुछ तय होना अभी बाकी है।
लेकिन जब विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद के नारे लगने लगे और वहां सामने मंच के सामने आकर जो नारेबाजी कर रहे थे आरजेडी के कार्यकर्ता, वो अब धीरे धीरे जोर से चिल्लाने लगे, तब मनोज यादव आरजेडी के विधायक हैं मंच से छलांग लगाकर कूद गए। वीडियो आया है सामने, उसका वीडियो है। मनोज यादव मंच से छलांग लगा कूद जाते हैं और जाते ही थप्पर बरसाने लगते हैं मनोज यादव। देखिए जोरदार तमाचा जड़ते हैं दो चार लोगों को और एक खबर है कि कई लोग घायल भी हुए हैं। और मनोज यादव के इस तरीके के कृत्य पर वहां बैठे सब लोग हैरान रह गए। देखिए कोई कुछ नहीं कर सका, जिला अध्यक्ष है, जिले के बॉस हैं वो। और तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि जो जिला अध्यक्ष होगा वो जिले में सर्वमान्य होगा, वो आरजेडी का सुप्रीमो होगा जिले का। तो मनोज यादव के खिलाफ भी विनोद श्रीवास्तव मामला लेकर पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद यादव के पास। और लालू यादव ने विनोद श्रीवास्तव को ये बातें कही थी कि तेजस्वी यादव को आने दीजिए, वो इस पर विस्तार से बातें करेंगे और जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो देखिए दो दो चुनौतियां हैं तेजस्वी यादव के सामने, पहला चेतन आनंद, दूसरा मनोज यादव। अब इस पर बैठक करेंगे, स्पष्टीकरण मांगी जाएगी। ये हो सकता है आगे की जो कार्रवाई है वो तेजस्वी यादव सोकौज के बाद करें, लेकिन कार्रवाई होगी जरूर। फिलहाल आप प्रिय बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।